जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और गाइज आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूट्यूब चैनल, जिस पर हम दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं और अपने व्यूवर्स के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक रेमेडी जिसका नाम है डाबर का हनीटस मधुबानी। तो डाबर का हनीटस मधुवानी दोस्तों एक आयुर्वेदिक कफ रेमेडी है जो कि हनी के कंपोजिशन के साथ में आती है, यानी इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ साथ हनी को भी मिलाया गया है, हनी को भी मिक्स करके इसको कंपोज किया है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो डाबर का हनीटस मधुवानी है वो क्या क्या फ़ायदे करता है। तो दोस्तों ये खांसी के लिए है, हनी युक्त आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इसके इंडिकेशन में कि इसके जो इंडिकेशन हैं, जैसे कि रिलीफ करता है खांसी से, कोल्ड से, नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाती है किसी को, और इसके अलावा यूज़फुल इन सोअर थ्रॉट, तो गले का जो सोअर थ्रॉट हो जाता है उसके लिए भी रामबाण है, मतलब फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, आयुर्वेदिक है। सबसे अच्छी बात है कि ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टरी मेडिसिन है तो कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं करती है। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन को मिलाकर इसको कंपोज किया गया है दोस्तों। तो यहाँ सभी आयुर्वेदिक कंपोजिशन है इसके अंदर, और हनी को ऐड किया है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगे, जिससे कि खाने में इसको लेने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये जो है कफ और कोल्ड के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। गले की खराश, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, सोअर थ्रॉट हो जाता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और एडल्ट में इसकी जो डोज है वो एक टीस्पून फुल, तो अप्रोक्स 6 ग्राम लेना होता है दिन में 1, 2 या 3 बार। तो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इसको लिया जाएगा। नॉर्मल किसी को प्रॉब्लम है तो वो 1 या 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं, और साथ ही अगर किसी को ज़्यादा है तो 3 बार तक ले सकते हैं। तो गाइज ये इस तरह से आती है मेडिसिन, इसमें से कुछ हमने जो है यूज़ कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखती है और कैसे होती है। तो दोस्तों ये चटनी की फॉर्म में होती है, जिसको यूनानी में माजून कहते हैं। तो ये माजून जैसी, चटनी जैसी होती है, और इसके अंदर सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं और साथ में शहद का यूज़ किया गया है। खाने में थोड़ी चटपटी लगती है, मतलब मीठी होने के साथ साथ हल्की चटपटी जैसी लगती है। और बच्चों में जो इसकी खुराक है वो 1/2 चम्मच 2 से 4 ग्राम तक दिन में 1, 2 बार, 3 बार तक दी जाती है, लेकिन बड़े बच्चों को देनी है जो 5 साल से ऊपर के होते हैं। दोस्तों प्रिकॉशन देख लेते हैं, अगर लगातार खांसी रहती है तो फिर अपने डॉक्टर से आपको सलाह करनी है। 1-2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो जाती है तो उस समय आपको जो है घर पर नहीं बैठना है, चुपचाप डॉक्टर से मिलना है, इसको स्टोर करना है कूल और ड्राई प्लेस में, सनलाइट वगैरह से बचाना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलिए इसको मैं खा के देखता हूँ। तो गाइज मैंने इसको अभी खाया है, लिया है, काफ़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी भी है। और जैसा इसमें बताया गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ हनी वगैरह ऐड किया है, तो हनी जो है इसके अंदर टेस्ट आ रहा है, और हनी जो है इसके अंदर दोस्तों ऐड किया गया है, तो अच्छा है, खाने में ठीक है, नॉर्मल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको एडल्ट, बड़े बुज़ुर्ग कोई भी ले सकते हैं, मेल फीमेल सभी ले सकते हैं। दोस्तों इसका जो पैक है वो 150 ग्राम का है, आप देख सकते हैं 150 ग्राम का पैक है ये। MRP की अगर हम बात करें तो ये आपको 95 रुपीज़ में मिल जाती है। तो नवंबर 2022 तक इसकी एक्सपायरी है, इसको नवंबर 2022 तक यूज़ कर लेना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं रखना है। दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन है, काफ़ी अच्छी है, डाबर का प्रोडक्ट है, और यहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, डाबर इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों नॉर्मल कफ कोल्ड की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सके। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।